स्वागत है आपका हम आपका न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। मेरठ में कांवर के अपमान पर बाद बवाल, आक्रोशित कांवरियों ने हाईवे किया जाम। मध्य प्रदेश में बारिश से मचा हाहाकार, सरके बनी तालाब, नदी नाले उफाड़ पर कई डैम हुई फुल अलर्ट हुआ जारी। वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में के गर्भगृह में दर्शनार्थी और सेवादारों के बीच मारपीट का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। दर्शनार्थी और सेवादारों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया। सीएम योगी के निर्देश के बाद आज से होगी कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। राजधानी जयपुर में रीट भर्ती परीक्षा से पहले दिन फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। 23 जुलाई को आयोजित पहली पारी की परीक्षा में असली अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने पहुंचे फर्जी अभ्यर्थी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने लिखा नेताओं को पत्र, 26 जुलाई को होगा प्रदर्शन। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिला में भारी बारिश की संभावना। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के पश्चिमी हिस्से में तेज बारिश के साथ वज्रपात होने के आसार हैं। श्रावणी मेला 2022 में श्रावण की दूसरी सोमवारी आज कांवड़ियों की भीड़ को लेकर प्रशासन भी चौकस। नीरज चोपड़ा के दम से भारत की चांदी, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के सीने पर भाले से फहराया तिरंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान ने सबको चौंका दिया। राजनाथ सिंह रविवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने जम्मू में कारगिल विजय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वालों को हम याद करते हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद एसटी वोट को रिझाने के लिए बीजेपी की वागड़ जनजाति गौरव यात्रा। रायपुर के यातायात विभाग में पदस्थ कांस्टेबल लांबर सिन्हा को सड़क पर लावारिस हालत में बैग मिला जिसमें 45 लाख रुपए थे। बैग में अलग अलग बंडलों में 2000 और 500 के नोट रखे थे। बिहार में बढ़ रहा नशे का काला धंधा, स्कूल कॉलेज के आसपास तक फैला ड्रग पैडल। पटना सिटी में दुकान का ताला काट कर 12 लाख के गहने उड़ा ले गए चोर। पटना में मौज मस्ती के लिए बेटे ने पिता से मांगी रकम, मना करने पर ईंट से कूच कर कर दी हत्या। मुझे लगता है राजनीति कब छोड़ दूं और कब नहीं, बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी और उसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ऐतिहासिक रजत पदक जीतने वाला नीरज चोपड़ा को बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी बोले यह भारतीय खेलों के लिए खास पल। बिहार में होमगार्ड जवानों को मॉडर्न बनाने की तैयारी तेज हो गई है। जवानों को आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन हथियारों में SLR, इसांस व AK-47 जैसे अत्याधुनिक शामिल हैं। बिहार के छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नगरा थाना के खगोई बाग स्थित मस्जिद के पास पटाखा कारोबारी के घर में विस्फोट होने के बाद पूरा मकान ढह गया। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई। मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले हैं। 31 जुलाई को शाह पटना पहुंचेंगे। दरअसल बीजेपी के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होने वाली है जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। लखनऊ पुलिस के हाथ लगी बड़ा सफलता, रईस खान के गैंग की कोशिश नाकाम, 3 बदमाश हुए गिरफ्तार। बिहार के सरकारी अस्पतालों को मिलेगी 90 वेंटिलेटर, कम होगी मरीजों की परेशानी। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विभाग हर संभव कोशिश कर रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आने वाली परेशानियों का भी निदान किया जा रहा है। पटना पुलिस ने खून के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। दरअसल बच्चों के गले से लॉकेट काटने वाले गिरोह के सरगना के घर पर पुलिस ने छापेमारी की तो वहाँ ड्रिप फ्रीजर से 44 पैकेट ब्लड